गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोसार। और अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के बजे है लगभग 7, तो राइड आज स्टार्ट होगी जल्दी। तो लोसार से बस जल्दी से सामान पैक करता हूँ और निकलता हूँ। बाकी बाहर का जो व्यू है वो तो पहाड़ों में रहता ही हमेशा बढ़िया, माउंटेन्स ऑल अराउंड। सो आज का दिन जो है काफ़ी एडवेंचर वाला है, क्योंकि आज दो पास को हम पास करेंगे, कुमजुमला और रोहतांग ला को। उसके बाद अटल टनल होते हुए मनाली से वापस दिल्ली जाएंगे। तो आज का दिन थोड़ा सा एडवेंचरिस्ट है और थोड़ा ज़्यादा बाइक चलानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आज है day 5, लास्ट डे ऑफ माय राइड। तो इसके बाद जो ये व्लॉग है ये आएंगे 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर, जो कि मैं करूँगा 1 वीक बाद, क्योंकि एडिटिंग वाला काम भी बहुत सारा पेंडिंग है। तो लेट्स, अब मिलता हूँ सीधा बाइक के ऊपर। सो इट्स अ day 5 ऑफ माय स्पीति राइड एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लोसार। माउंटेन्स, बाइक, मी, एंड इट्स टाइम टू गो फ्रॉम लोसार। तो महाकाल के नाम के साथ स्टार्ट करते हैं राइड को, और आज का जो डेस्टिनेशंस है एडवेंचर वाले हैं, और कुंजुमला सबसे पहले पड़ेगा और उसके बाद पड़ेगा मैप पर देखा शायद बाडल पड़ेगा, और वहाँ से फिर रोहतांग पास के लिए रास्ता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बाइक के ऊपर बैठ के है ये गुड मॉर्निंग। अब टाइम हो चला है लोसार से निकलने का, और लोसार पे करानी पड़ती है एंट्री। तो एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए, एंट्री करवानी चाहिए हमेशा। एंट्री करनी पड़ेगी सर। हाँ जी, अभी तो सर कुंजुमला, रोहतांग, अटल होते मनाली। तो भाई एंट्री करा ली लोसार के चेक पॉइंट पे। तो लोसार में सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, तो आज राइडिंग जैकेट का वार्मर लाइनर डालना पड़ा, और आज ग्लव्स भी चेंज कर लिए मैंने। तो यहाँ पे जो हवा है बहुत तेज़ चल रही है, तो हाथ सुन पड़ जाते हैं, ठंडी हवाएं हैं, ड्राई हो जाते हैं हाथ, तो इसलिए आज विंटर वाले ग्लव्स आ गए बाहर। और भाई स्ट्राइड स्टार करते ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो ये है day 5 मेरी स्पीति राइड का। अगर आप मुझसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको देखना चाहिए day 1 से मेरी वीडियोस को। आप अगर आप बीच में से देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ, तो आप day 1 से देखिए। डिस्क्रिप्शन में day 1 मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर डालो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी पाया जाता हूँ। सेम अकाउंट है इट्स मी अंकुश नाम से, आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और स्क्रीन पे लिंक भी करेगा अभी। तो ठंडी ठंडी हवाएं वो भी, और टाइम हो चुका है 8 बजे। मैंने सोचा था 7 बजे स्टार्ट करूँगा, लेकिन इस होम स्टे में गया तो लाइट चली गई थी, लाइट आती जाती रहती है, तो ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो लाइट का वेट करा, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया 1 घंटा। फिर भी ठीक है, अर्ली राइड, अर्ली मॉर्निंग है, 8 बजे कोई ज़्यादा। और कुंजुमला की जो हाइट है वो काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो वहाँ पर जाके खिंचाना है तिरंगे के साथ फ़ोटो, जो तिरंगा मैंने कैरी किया हुआ दिल्ली के अपने साथ, लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं आया। मैंने सोचा हुआ था कि जब कोई पास को पास करूँगा तो फिर ओ भाई जी ये कैसे पहुँच गई यहाँ पे,
बड़े हैवी ड्राइवर है भाई, ये तो गाड़ी कुदा दी। आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर किया जा रहा होगा, कोई एक्सीडेंट होगा क्या पता, लेकिन खतरनाक कंडीशन बनी हुई है, खासकर माउंटेन्स में टॉर्चिंग करने के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। और यार चलता नहीं है पता पानी के अंदर कि खड्डे है या क्या है, सीधा उतार के ले जाता हूँ पानी के अंदर। तो यार रास्ता जो है ये लोसार से निकल के कुंजुमला की तरफ थोड़ा ठीक है, उसके बाद पिछले 3 किलोमीटर से कर रहा हूँ मैं ऑफ रोडिंग और रास्ता बिल्कुल रॉ है एकदम, पर चलने लायक कंडीशन है, पर पत्थर पत्थर से क्या होता है बाइक हो जाती है डिसबैलेंस। और चढ़ाई जो है भाई बिल्कुल कई बार तो बड़ी टिपिकल आ जाती है, हालत खराब हो जाती है चढ़ने में, तो टिपिकल राउंड करके ऐसे है हाइट, ये तो चढ़ाई ऊपर से राउंड है तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हाथी पूरा लोडेड है, अगर लोडेड नहीं होता फिर तो टापाक से चढ़ जाता। पता नहीं रास्ता कहाँ तक ऑफ रोडिंग वाला है, कुंजुमला तक ऑफ रोडिंग ना हो तो लेट्स सी क्या होता है, कहाँ तक ऑफ रोडिंग है, रोडिंग हो या रोड हो मंजिल तो पूरी करनी ही है। ओ माय गॉड पत्थर, कई बार पत्थर अगले टायर पे लगते हैं और ऐसे मतलब कि उछाल देता है गाड़ी को। तो अभी वैली में थे, अभी दोबारा पहाड़ की हाइट चढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड, और क्या मजेदार व्यू है। तो यहाँ पे लूँगा मैं फ्रंट से एक व्यू, क्योंकि ये जो वैली है ये मस्त है एकदम, क्या ब्यूटी है यार, मजा माँ। और पानी का मस्त रिजर्व भर रहा आवाज़, क्या क्या बढ़िया आवाज़ आ रही है इसकी। और ये है सारा सराउंडिंग एरिया, अब मैं लूँगा सामने से शॉट, क्योंकि पुल पार करना मेरे को लगता है बहुत बढ़िया, वहाँ भी लकड़ी वाला पुल ऐसे डब 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 रहेगा तो मज़ा आएगा। तो यार पहली मुझे दिखी जमी हुई बर्फ। ये जो बर्फ है अभी जमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्दी है बहुत ज़्यादा है। ये पहली जमी हुई बर्फ दिखी है। ओह वो बर्फ कैसे जमी हुई है रस्तों के ऊपर। फाइनली मोमेंट हैज कम, वी आर एट कुंजुमला, और वो है कुंजुमला जो दिख रहा है दूर से, और स्नो माउंटेन्स ने भाई साहब क्या ब्यूटीज की बना रखी है कुंजुमला की। तो अभी ओवर क्लोज चलते कुंजुमला के, तो ये है कुंजुम टॉप, कुंजुमला फाइनली पहुंच गए कुंजुमला के ऊपर, और यहाँ कुंजुम माता का मंदिर भी है, और जो उसकी हाइट है वो है एल्टीट्यूड 4590 मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये बाइकर्स लोगों ने क्या हाल कर रखा है, इसका स्टिकर लगा लगा के।
सो जी, यह है कुंजुम माता का मंदिर कहो या फिर कहो कुंजुम ला, दोनों एक ही बात है। तो ये जो कुंजुम माता का ब्यूटीफुल मंदिर पहाड़ों के बीच घिरा हुआ, अद्भुत दृश्य है यहाँ पे। और विंटर स्पीति में तो क्या नज़ारा ही होता होगा यहाँ पे। खैर, ये है यहाँ का 360 व्यू कुंजुम टॉप का। और ठंड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है बाकी जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, तो अभी भी माउंटेन्स पे स्नो लगी हुई है, तो ज़्यादा यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है। बाकी पास चलते हैं कुंजुम माता के, और कहते हैं कि यहाँ पे परिक्रमा भी करते हैं लोग इसकी, लेकिन रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बाइक तो नहीं जाएगी, लेकिन क्या करते, जल्दी से एक राउंड लगा लेते हैं और नज़दीक चलते हैं मंदिर के। तो भाई, ये जो बुद्धा परे वाले लोगों बांधे और जो घंटा ये इधर है, बढ़िया है, अपनी अर्जी यहाँ पे लगा देते हैं कि हमने भी कुंजुम माता के मंदिर पे अपनी हाजिरी दी है। तो बस ब्यूटीफुल नज़ारे हैं चारों तरफ, नज़ारों में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा दिन बन जाता है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कुंजुम ला, फिर मिलेंगे सून। अब ये सून कितना सून होता है आई डोंट नो, क्योंकि हमेशा ही ऐसे दिन नहीं रहते। खैर, ऑल सेट टू गो, सब कुछ हो गया। तो ट्रैवल अपडेट ये है कि अभी मैं उतर रहा हूँ कुंजुम पास से, और ये जो रास्ता है सामने, ये जाता है चंद्रताल लेक की तरफ। लेकिन जो रास्ता है वो बाइक तो चली जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद करना पड़ेगा ट्रैक। तो फिर हमें जाना है बाटल की तरफ, ग्रामपू, और फिर वहाँ से रोहतांग पास। तो बाटल यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर है, तो बाटल में करेंगे लंच। उसके बाद 48 किलोमीटर लंबी ड्राइव है बाटल ग्रामपू के लिए, तो चलते ग्रामपू की तरफ, आई मीन बाटल की तरफ। और कभी कभी तो इतना भयंकर यार खड्डे आ जाते हैं यहाँ पे कि ऐसे गाड़ी छम छम होती है, उसके ऊपर बाउंसिंग बैक हो जाती है गाड़ी कई बार, इतने भयंकर वाले खड्डे आते हैं। बाकी प्रॉपर जो ऑफ रोडिंग बाइक होती है उसके लिए रास्ता बहुत बढ़िया है, ये ऑफ रोड बहुत बेहतर तरीके से इस पर किया जा सकता है सैडलिंग करके। सैडलिंग मैं इस पे कर लेता हूँ क्लासिक 350 पे, लेकिन वो मज़ा नहीं आता सैडलिंग का जो आना चाहिए। हाथ छोटे पड़ जाते हैं, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़े अपने घुटनों को बेंड करना पड़ता है मेरे को सैडलिंग करने के लिए। तो फिर भी हो जाती है टाइम पास सैडलिंग। काफ़ी ख़तरनाक वाला ऑफ रोडिंग है ये, ऊपर से पत्थर और पानी जो बर्फ़ से पिघल के जा रहा है, तो टायर को ऐसे ऐसे नचा रहा है ये। ओ, धीरे धीरे से निकालनी पड़ेगी यहाँ से बाइक, भयंकर वाला पैच है ये तो यार। ओ, 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 चलो पार कर लिया, लेकिन था थोड़ा सा टफ। हैंडल को पूरा लूज नहीं पकड़ना चाहिए, पूरा पकड़ना चाहिए टाइट तरीके से। लूज पकड़ेंगे तो अगला टायर स्किट हो जाएगा और हैंडल घूम जाएगा, तो टाइट से पकड़ना चाहिए हैंडल को, ताकि हैंडल घूम ना पाए, वरना डिसबैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे तो कोई मिलेगा भी नहीं उठाने वाला। अच्छा रास्ता पता नहीं कब आएगा, ऐसे फेफड़े ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, आंतड़ी ऐसे ऐसे उछल रही है, पता नहीं कहाँ की कहाँ लग जाएगी। खैर,
खैर जो भी है सही है, मजा आ रही है। ये है बाटल जहाँ पे चाचा चाची का ढाबा, और बाटल से अब जाना है ग्रामफो की तरफ। तो बाटल रिमोट एरिया ही है, बस कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल सकती है। बाकी ग्रामफो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, और इस टाइम वैली के अंदर है हम लोग, डीप वैली। पता नहीं कौन से ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं माउंटेन पे बैठ के। तो भाई ये है खतरनाक सिचुएशन, आगे से आ गई बस 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 बस। अरे रुक जाओ अंकल, रुक जाओ, कहाँ घुसाऊंगे अंकल, बढ़ा दिए अब कहाँ निकलेंगे, काटो ऐसे काटो। कह रहे हो भाई थोड़ा दबा ले गाड़ी को, पर तेरे बस की बात नहीं लग रही। तो लपेट मत दिए मेरे को यार, अजीब ड्राइवर वाला यार। पहिया फंसा दिया इसने आगे। चल मेरे हाथी निकल। तो भाई इसने फंसा दिया मेरे को। तो निकाल ली मैंने तो गाड़ी, लेकिन पीछे जो बस और इंडिवर आ रही है उसका क्या होगा यार। हो जरा सा फिजिकल वर्क करते ही पहाड़ों में सांस चढ़ जाती है, तो नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो। ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके लिए हाइपर नहीं होना चाहिए, मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए। हाइपर होने से बात बिगड़ जाती है, सुधरती नहीं है। तो भाई एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर हो रहा है, जैसा कि शुरू में कहा था आज होगा थोड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर, क्योंकि यह है हिमाचल प्रदेश का टफेस्ट रूट। तो एडवेंचर एडवेंचर हो रहा है भाई,
और ये प्रो लेवल का एडवेंचर है। रास्ते देख रहे हो कैसे कैसे है, भयानक से डेंजर वाले। ओ, 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 ओ। काफी लोड पड़ रहा है हाथी के ऊपर, चारों दिन से ज्यादा आज हाथी पे लोड है और इसने 40 से ऊपर रफ्तार अभी देखी ही नहीं, 40 से नीचे चल रही है, 40 से ऊपर तो आज गया ही नहीं हाथी, बस रफ्ता रफ्ता चल रहा है। ओ भाई तुम भी आओ, तुम क्यों नहीं आओगे, तुम आए बाहर आई। ये वाला पैस तो या कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा लग रहा है मेरे को। चट्टाने, नदी, खाई, तीनों खतरनाक चीज है भाई। पता नहीं पत्थर कैसे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल डीप था भाई, अच्छी बात है पत्थर नहीं थे, नहीं तो हाथी तो लेट जाता, बोलता नहा के जाऊंगा अब तो। धीरे चलिए, अब और कितना धीरे चले, चल भी कहा रही है, रेंग रहे रेंग। ओ, 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 ओ। तो भाई ये मज़ा है शिमला वाला रूट पकड़ने का। अगर मनाली से आओगे तो सारा एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा दो दिन के अंदर ही, तो फिर दिल नहीं करेगा करेगा कि भागे जल्दी से घर। लेकिन शिमला की तरफ से आते हैं तो दो फायदे, ना तो रोहतांग का परमिट चाहिए और एडवेंचर लास्ट डे तक बना रहता है। बाकी यहाँ से जाओगे तो नारकंडा, रामपुर, शिमला, चंडीगढ़ पे सीधे रास्ते जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन ये तो भाई एक्सट्रीम कंडीशन के रोड है ये तो। रात को इस रास्ते को बिल्कुल करना चाहिए अवॉइड, रात को तो मैं नहीं करूँगा सजेस्ट के इस पे जाया जाए, रात को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए 6-7 बजे के बाद, कि रास्ते बड़े खतरनाक हैं और ज़्यादा क्राउड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर चलता रोड हो तो लोग हेल्प कर देते हैं, पर यहाँ तो इक्की दुक्की गाड़ी निकलती है एक घंटे के अंदर, तो रात के लिए बिल्कुल भी ये रोड सेफ नहीं है। कि जब भी पास करो दिन में ही पास करो, बेशक एक दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन सेफ्टी मस्ट। तो भाई छोटा दर्रा आ गया और ग्राम फूट 34 किलोमीटर है अभी भी, रोहतांग 49। तो ये जंगल में रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, लेकिन अभी पूरी एनर्जी बरकरार है तो रेस्ट नहीं करना, पर खाना चाहिए मुझे खाना, कहाँ मिलेगा खाना। तो भाई राइडिंग आज की काफ़ी कैड़ी पड़ रही है, क्योंकि रोड कंडीशन काफ़ी टफ है, तो आराम आराम से निकालनी पड़ रही है बाइक। और भाई खड्डे तो यहाँ लाजवाब है, बढ़िया है ऑफ रोडिंग कंडीशन, और ये कितनी तेजी से पत्थरों से टकरा टकरा के बह रही है नदी। बाकी में मानना पड़ेगा छोटा नहीं है, बड़ा दर्रा है ये, टोटल ऑफ रोडिंग है, टोटल ऑफ रोडिंग। कुंजमला से बाटल और ग्रामफू टोटल ऑफ रोडिंग है, कहाँ पे पता नहीं रास्ता सही मिलेगा।
कहा कि यार खड्डे वाले रास्ते में चलता नहीं है, पता कहाँ से निकाले कहाँ से ना निकाले। साइड साइड से तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ राइड चल रहा है आज, और बाइक कहीं नीचे लगी है, देखना पड़ेगा कहाँ लगी है। तो टायर तो हो गया साफ नहा के, बाकी यार पत्थर इतने ज़्यादा है कि लग जाती है बाइक नीचे, क्योंकि थोड़ा इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसका, और कंडीशन तो एक्सट्रीम है यहाँ पे नो डाउट। एंड्योरेंस टेस्टिंग चल रही है हाथी की, बहुत देर से जंग छिड़ी है हाथी और पत्थरों के बीच, पर हाथी तो हाथी है, हार नहीं मानेगा। ठीक है, और कॉफ़ी है, एक कॉफ़ी बना दूँ, कॉफ़ी में कॉफ़ी डालना ज़्यादा चीनी कम। एक और टफ वाटर क्रॉसिंग, ये पहले से ज़्यादा टफ है वाटर क्रॉसिंग, किसमें पत्थर छोटे नहीं है बड़े हैं। तो ओ ओ ओ ओ ओ इजी 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 टेक इट इजी एलिफेंट टिकटी जी, ओ ना क्रॉल्ड। तो ये जो वाटर क्रॉसिंग थी पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा थी डिफ़िकल्ट, और थैंक गॉड जो तुम्हें पानी नहीं गया कि मैंने पंजों से संभाला था तो जूते बच गए, वरना गीले जूतों में राइड करना बड़ा बेकार होता है। लेकिन ये ओराजो कंपनी के हैं बूट, वाटरप्रूफ, लेकिन जैसे एंकल से ऊपर जाते थोड़ा सा पानी इसमें जा सकता है, तो इसलिए पंजे से मैंने भरपूर इस्तेमाल करा और वाटर क्रॉसिंग को बखूबी मैंने पार कर लिया विदाउट एनी हडल्स। हो व्हाट अ टफ डे, क्या टफ डे है, एडवेंचर 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 और सिर्फ एडवेंचर ही हो रहा सुबह से। ये ओ ओ ओ, ओ, ओ। तो कहाँ से निकाले कहाँ से निकाले, इधर पत्थर है इधर गहराई है, ऐसे जाके यू वी बन
और बनाना पड़ेगा। जय महाकाल, रक्षा करना। सो ये थोड़ी सी ओ पत्थर दिखते नहीं है कभी कभी पानी में, तो दो बैक टू बैक खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग, दोनों में जूते में पानी नहीं गया जूते मैंने बचा लिए, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना भी एक आर्ट है, जिसके अंदर आपको ब्रेक नहीं मारना, हैंडल को पकड़ना मजबूती से, और क्लच और स्पीड काम करेगी बस, खाली आपको ब्रेक भूल के भी नहीं मारना वाटर क्रॉसिंग पे। ब्रेक मारूंगे तो तुरंत से फंस जाऊंगे, कि जब गाड़ी फ्लो में होती है तो निकल जाती है, पर ब्रेक मार के उसको इनिशियल स्टार्ट नहीं मिल पाता, तो खाली काम होता है क्लच का और स्पीड का। ये प्रो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए। गुड लक सिंबल फॉर ब्रदरहुड। ये लोग उल्टा ट्रैक मार रहे हैं और मैं मार रहा हूँ उल्टा ट्रैक, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं मनाली से काजा साइड और मैं हूँ शिमला वाले साइड से, तो ये एडवेंचर को अभी देख रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से काफ़ी वापसी भी हो जाए, क्योंकि 70-80 किलोमीटर का जो पैच है वो भाई बड़ा ही भयानक किस्म का है। छोटा दर्रा, बाटल और फिर कुंजुमला, उसके बाद जाके लोसार में इनको ठीक रास्ते मिलेंगे, तो इनका एडवेंचर बिगनिंग से चालू हो गया और मेरे जो मेरा रूट है उसमें मेरा एडवेंचर लास्ट तक बना रहा। नहीं मैं आज से 2 साल पहले आया था ना, तो उस टाइम क्या था कि पहले बन रहे परमिशन नहीं वहाँ से और यहाँ पे आ गया, तो अब क्या है मैं आया हूँ इधर से शिमला साइड से, अब मुझे क्या रोहतांग भी करना है, मेरे को अपना लंबा हो जाएगा मेरे लिए, पहले उधर जाऊँगा फिर परमिशन लूँगा फिर ब्लड बंद करती, ऐसा क्यों टैक्सी अब तो रास्ता मतलब बिल्कुल बंद ही कर दिया सर है, तो खुला है ना टैक्सी के लिए, नहीं खुला लेकिन बाइक से क्या करे, 12 किलोमीटर रास्ता तो फिर आपने वापस यहाँ से शिमला के लिए आना। नहीं नहीं मेरा जो प्लान था ना, प्लान ये था कि मैं रोहतांग जाऊँगा, मुझे फिर मनाली नहीं जाना, मैं वापसी अटल से ही जाऊँगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा, मुझे वापसी इधर ही आना है मेरे को। अटल होके फिर कहाँ जाना? मैं मनाली दिल्ली एक है ना, कि यहाँ से तो जाओ यहाँ से तो बिल्कुल नजदीक था सर वो। नहीं सर देखो मैंने सोचा था ना कि यहाँ से रोहतांग पास है, फिर वहाँ से रास्ता मनाली को कटा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं फिर रोहतांग पास जाके फिर वापसी आके अटल जाके फिर मनाली जाऊँगा फिर दिल्ली। आपकी बात बिल्कुल जायज है सर, बात तो बिल्कुल जायज है, इसके मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ से मना किया है, जैसे एक्चुअली यहाँ से अलाउ करते हैं ना सर, जैसे जो के लिए जो है वो नहीं मिलेगी, सारे यहाँ से आएंगे और यहाँ से काम चले जाएंगे ना सर। नहीं टाइम नहीं है ना सर, मैं तो बड़ी उससे, मैं तो उधर से पूरा काजा से मतलब कि स्पेशल आया था, वरना मैं इधर से जाता फिर। देख लो कोई इधर जाना है वापसी इधर ही आना है, 1 घंटे का काम है बस, ज़्यादा नहीं, इधर जाना है इधर से आना है बस।
नहीं ऊपर चेक पोस्ट है कोई? अच्छा नहीं, अगर वैसे अगर वहां से जाओ मनाली तो दिक्कत है, मैं तो वापसी रोड पे आ जाऊंगा। अच्छा कुछ पॉसिबिलिटी तो बता दो, वरना क्या कर सकते हैं, बस जाना और आना है, इतना एक घंटे का टाइम दे दो बस। मैं पूरे करीब 1500 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ मैं यहाँ पे आके, मतलब कि चलो सर रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। चलो कोई नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कह रहे हो? नहीं मुझे पता नहीं था, अगर मेरे को पता होता ना तो फिर मैं क्या करता ना, मैं तो इसलिए आया था क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था, अगर शिमला से जाते हैं ना तो परमिट नहीं लगता, वरना मैं मनाली से भी इधर जाता फिर बेस्ट होता ऐसा। अब रूल चेंज हो गए, मेरे को पता नहीं था ना। चलो मैं पूछ लेता हूँ सर, पॉसिबिलिटी भी तो देख लेंगे। तो भाई जब से अटल टनल खुला है रोहतांग पास का, वन वे कर दिया, मनाली से रोहतांग पास आओ फिर जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से रोहतांग पास ही 12 किलोमीटर दूर था तो नहीं जाने दे रहा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही लेकिन फिर भी नहीं जाने दे रहा। खैर इसकी ड्यूटी पे फिर बात आएगी, तो अब अटल से फिर निकलना पड़ेगा मनाली परमिशन लेके, फिर ऐसे इसी रोड से जाना पड़ेगा वापस मनाली, तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए। तो बाकी इनका हेडक्वार्टर है, अगर वो अलाउ करेंगे तो, इसने बोला कि अगर वह रिक्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी कुछ है तो जाके मैं देखता हूँ, नहीं तो रोहतांग का जो मैंने बनाया था प्लान वो हो जाएगा कैंसल, नहीं तो फिर एक दिन मेरे को और लगेगा रोहतांग के लिए। और लेकिन मेरे को आज वापस दिल्ली भी जाना है तो अभी सोचना पड़ेगा क्या करा जाए। और ये भयंकर वाटरफॉल, मस्त एकदम। चलो अटल टनल की तरफ रुक करना पड़ेगा। पे है एरिया, वो देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट से बात बन जाए। तो चेक पोस्ट है यहाँ पे, एंट्री करनी पड़ेगी सर। सर उधर से रोहतांग अलाउ नहीं कर रहे क्या? मैं लसार साइड से आया था मैं, तो बिल्कुल भी सर, मतलब मनाली जाना पड़ेगा पहले, मनाली जाना पड़ेगा यार, वन वे है। नहीं वो ऊपर जो मतलब कि बैठे थे वो सर, घर जाकर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ बात बन सकती है सर? नहीं बनेगा। DL। तो भाई रोहतांग का तो सीन फंसा हुआ है परमिशन वाला, रोहतांग का तो सीन बन गया भाई, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर रूल इज रूल, सबके लिए सेम रहेंगे।
तो यहाँ पे ख़त्म होती है अटल टनल और इधर ऊपर सारे बर्फ़ जमी पड़ी है, बाकी इधर फॉग ही फॉग है। तो अटल टनल भी क्रॉस कर ली। अब मनाली रुक के रोहतांग पास जाने को इतुक नहीं बनता। मैंने सोचा था कि रोहतांग पास करूँगा, लेकिन रूल चेंज हो गए जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अब अटल टनल बनने के बाद वो वन वे हो गया और इस वीडियो में आपको मिलेगा देखने को, जैसा कि उस ऑफिसर ने बताया था कि आप खाली टैक्सी को अलाउड कर रहे हैं, बाइक को अलाउड करने गए तो रोहतांग पास को बाईपास कर दिया कोई नहीं। और अब मनाली में रुकने का मेरे समझ से कोई सीन नहीं बनता, मनाली में रुकना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो मैं करूँगा अब दिल्ली तक की दौड़ और दिल्ली पहुँचने में मुझे लग सुबह के करीब बच जाएंगे 3 या 4 या 5 बजे तक, क्योंकि पहाड़ी एरिया में लगेगा टाइम। पर जैसे ही मैदान वाले एरिया में आएंगे तो हाथी पकड़ेगा रफ्तार। तो 230 किलोमीटर की जो ड्राइविंग है वो माउंटेन्स में है, जिसमें थोड़ा नाइट में केयरफुली चलाना पड़ेगा। उसके बाद फिर चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो मेरा जो साथ था आपके साथ यही तक रहेगा। बाकी मेरा सफ़र तो अभी दिल्ली तक है, लेकिन ये व्लॉग का जो एंड है मेरी 5 दिन की स्पीति ट्रिप का, ये मैं मनाली पे कर दूंगा इसको द एंड, क्योंकि इसके बाद है घर वापसी का टाइम। कुछ दिखाने के लिए नहीं है मैं आए टू दिल्ली, क्योंकि मुझे कहीं पे नहीं एक्सप्लोर करना। तो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे से कनेक्टेड। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और नीचे जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे वहाँ भी फॉलोअप कर सकते हैं। क्योंकि इस ट्रिप की काफ़ी जो चीज़ें हैं यूट्यूब पर नहीं आएगी। तो ये है मेरी राइड का अंत और इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय। गुड बाय कहना हर बार थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वक्त है कि वो निकल ही जाता है। स्टार्टिंग में जितना एक्साइटमेंट था, अब घर पहुंचने की उतनी जल्दी है। तो व्लॉग का ये एंड है, मुस्कुराते रहिए, राइड सेफ, राइड स्टे हार्ड, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स मी अंकुश, बाय बाय।